हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्लीव डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन फ्रॉक में, कुर्ते में, टॉप में, ब्लाउज़ में, किसी में भी डाल सकते हैं। मैं इसे ब्लाउज़ में डाल रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो ये स्लीव के लिए मैंने कपड़ा निकाला हुआ है और मैंने ब्लाउज़ इसी तरह से काटा था कि ये इतना कपड़ा मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन डालना था। ये बॉर्डर है और बॉर्डर को मैंने खोला नहीं है, मैंने ऐसे ही लिया है। जितना चौड़ा बॉर्डर है उससे आधा इंच बढ़ा के मैंने साथ में कपड़ा भी काट लिया है। मैं इसे स्लीव में लगाने वाली हूँ। बॉटम में 2 इंच का बॉर्डर है तो मैंने 2.5 इंच कपड़ा इसमें लिया हुआ है। सबसे पहले मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। इस बॉर्डर को मैं हटा देती हूँ। दोनों स्लीव को मैं फोल्ड करके रख लूंगी। और मैं इसे पिनअप कर लूँगी। कपड़ा सिल्क का है तो ये बहुत खिसकता है, इसलिए मैं इसे पहले पिनअप कर लेती हूँ। उसके बाद मेज़रमेंट लेंगे। मुझे यहाँ पे 9 इंच कपड़ा मिला है और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। ये डबल है तो 18 इंच होता है। इस बॉर्डर को मैं इस तरह लगाऊंगी। 2 इंच का बॉर्डर है तो मैं यहाँ से 2 इंच कपड़ा ही ले रही हूँ। 1 इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा तो हमें यहाँ से 1 इंच कपड़ा ही स्लीव में मिलेगा। यहाँ से मैंने 2 इंच रखा है और मैं इस तरह से 1.5 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच लगाने के बाद मैं यहाँ पर स्लीव की शेप दूंगी। मुझे यहाँ पे 6 इंच कपड़ा चाहिए। स्लीव की जो गोलाई है वो 12 इंच की है तो मैंने यहाँ पे 6 इंच करके लिया है और सिलाई के लिए कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और यहाँ से मैं लूँगी 8 इंच कपड़ा, जो स्लीव की आर्महोल है ब्लाउज का, जितना भी आर्म होल है उतना ही लेना है। और यहाँ पे ये 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है तो 3 इंच कपड़ा मैं यहाँ पे प्लेट्स में लूँगी। इस तरह से मैंने स्लीव में शेप जो मैंने लगाई हुई है। अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। अब मैं इसे किस तरह से सिलने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं कट लगा दूँगी और जो पिन मैंने लगाई हुई हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ। और मैंने स्लीव को इस तरह से रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने कट लगाया है वहाँ से मैं 3 इंच लूँगी, क्योंकि 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था। यहाँ पे मैं 3 इंच पर एक मार्क लगा देती हूँ दोनों साइड में। यहाँ से मैंने 2 इंच लिया है। ये 2 इंच का जो मैंने मार्क लगाया है, इस 2 इंच में मैं
ये बाकी 3 इंच जो है मैं कवर करूँगी और इन्हें इस तरह से मैं प्लेट डालूँगी। दोनों साइड से 2-2 इंच लेकर मैं प्लेट डालूँगी तो ये दोनों मिला के 4 इंच कपड़ा हो जाएगा। 4 इंच कपड़े में मुझे ये बाकी सारा कपड़ा प्लेट्स में अरेंज करना है। और इस तरह जहाँ मैंने कट लगाया हुआ है वहाँ जो है मैं अपोजिट साइड में प्लेट्स डालूँगी एक दूसरे की साइड में, और पूरा कपड़ा मैं इसी तरह ले लूँगी। जितनी आर्म होल की गोलाई है उतना कपड़ा मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं पूरा कपड़ा लेकर जितना भी आर्म होल है उतना मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लेट में अरेंज कर लिया है ये कपड़ा। इसी तरह मैं बॉटम में भी करूँगी। और ये कट है तो प्लेट हमें इस तरह से डालनी है कि दोनों एक दूसरे की ओर इस तरह से, पहले मैं मेज़र कर लेती हूँ मुझे स्लीव की गोलाई कितनी चाहिए, उसके बाद जो भी कपड़ा है मैं इसी तरह प्लेट में ले लूँगी पूरा कपड़ा। अब हम चलते हैं मशीन पर। यहाँ से मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़कर मेज़र किया है 4.5 इंच, 4.5 इंच से मैंने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया है। जहाँ तक कट है वहाँ तक मैंने इसी तरह लिया है, उसके बाद बाकी प्लेट्स मैं अपोजिट साइड में डाल रही हूँ। यहाँ से मैं आर्म होल की गोलाई लूँगी, 8 इंच है तो मैं 8 इंच पर मार्क किया है, और ये बाकी कपड़ा है मुझे इस 2 इंच में अरेंज करना है। इस तरह से मैंने स्लीव रेडी कर ली है, उसके बाद मैं इसमें बॉर्डर लगाऊंगी। तो मैंने बॉटम में इस तरह से मार्क किया है और इस तरह से मैंने, और ये मैंने कपड़ा जो स्लीव का कपड़ा है वो मैंने उल्टा रखा है और मैंने बॉर्डर को भी उल्टा रखा है, और इस तरह से मैंने इसे सिला है। उसके बाद मैं इसे सीधी साइड की ओर इसे पलट दूँगी और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊँगी। एक सिलाई में बॉर्डर पर लगाऊंगी नीचे की ओर, इस तरह से मैंने ये एक स्लीव तैयार की है, इसी तरह से दोनों स्लीव मैं तैयार करूंगी। उसके बाद फिटिंग की सिलाई है, फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी मैं और ये स्लीव हो जाएगी रेडी। इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेती हूँ। मैंने दोनों स्लीव रेडी कर ली हैं, अब हम करेंगे इन्हें ब्लाउज में अटैच। तो मैं इन्हें ब्लाउज में लगा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं फ्रंट की जो शेप है वो दूंगी। तो मैंने इस तरह से आमने सामने स्लीव को रख कर शेप दी है। ये ब्लाउज है, ब्लाउज में मैं स्लीव अटैच करूंगी इस तरह से।
तो मैं कर लेती हूँ अटैच, उसके बाद दिखाती हूँ ब्लाउज कैसा तैयार होता है। और ब्लाउज रेडी हो गया है। स्लीव पफ स्लीव हैं ये, बहुत सुंदर हैं, पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लुक आता है इनका। मेरा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।